बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश की यातायात पुलिस लगातार कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं के मामले में इंदौर प्रदेश में अव्वल है। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब कॉलेज के कुछ विद्यार्थी आगे आए हैं। इन विद्यार्थियों ने साथ संस्था के माध्यम से शुक्रवार को इंदौर के शिवाजी वाटिका चौराहे पर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। यात्री जो अनुरोध है स्टॉप लाइन के पीछे खड़े हुए हैं। लेफ्ट में जाने वाले यात्री प्लीज लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर लीजिए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने टेप डांस के माध्यम से भी लोगों को यातायात के नियमों का महत्व बताया। चमेली देवी कॉलेज के इन विद्यार्थियों ने बताया कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर लोगों में जागरूकता लाने का वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोग यातायात के नियमों का महत्व समझें तो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ये स्टार्ट हो चुका है कल से, ये हमारा सेकंड स्क्वायर है। पहले स्क्वायर हमारा लंटन था जहाँ हम कर चुके हैं, और ये सेकंड स्क्वायर है। ये हमारा यहाँ से आज सुबह आए, हम 10 बजे से स्टार्ट किया है, और हम चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। हमारा एक सोशल क्लब है 7 क्लब, और हमने टाइप किया सर के साथ। सर ने हमको बताया कि ट्रैफिक रूल में क्या क्या दिक्कतें आती है, लोगों रूल फॉलो नहीं करते, जैसे आप देखो स्टॉप लाइन पे नहीं रुकते, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही आ जाते हैं। तो उनको ये अवेयर करवा रहे हैं हम कि आप फॉलो करें रूल्स, और अच्छे से आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी और दूसरों की भी सेफ्टी रहेगी। सर हम टोटल 30 लोग हैं, साथ में हमारे सर भी हैं, और सर बहुत सारे लोग हैं फॉलो नहीं करते हैं रूल्स, पहले ही निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, सिग्नल होने के बाद भी निकल जाते हैं। तो हम उन्हीं लोगों को सब सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, अपने साथ वाले हैं उनको भी अच्छे से मतलब सीट बेल्ट पहनाओ, ऐसा हम लोग करवा रहे हैं। एक्चुअली हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, हमने अराउंड 14 स्क्वायर्स का सर्वे किया था, हमें ये देखने को मिला कि इंदौर चलो स्वच्छता में नंबर 1 है, बट ये ट्रैफिक में बिल्कुल नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो व्हाट वी थॉट इज कि टेक एन इनिशिएटिव, अगर यंगस्टर्स लोग इनिशिएटिव लेंगे तो ही कुछ बात बनेगी। सो अभी हम लोग सारे स्क्वायर्स पे जाके ट्रैफिक अवेयर कर रहे हैं कि यार प्लीज़ स्टॉप लाइन के पीछे रहिए, ज़ेब्रा लाइन के पीछे रहिए, एकदम हेलमेट पहनिए, यार ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, राइट, आपकी फैमिली वाले इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरे घर में भी इंसिडेंट हो चुका है, अगर आपके घर में अगर कोई चले जाता ना तो सीरियसली बहुत दुख होता, तो प्लीज़ डू वेयर हेलमेट, क्योंकि सर अगर आपका सेफ है तो पूरी बॉडी सेफ है। आपका नाम बताएं। अचिंत निगम। हम लोग अभी तो फिलहाल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो कि हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, अभी ज्वाइन किया हम लोगों ने, और स्कूल वगैरह हम लोग चाहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं तो हम लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये अच्छा चलना चाहिए। हम लोगों का यही है कि हम लोग इसको अच्छे पोस्ट मतलब अच्छे मुकाम तक पहुँचा सके। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी कॉलेज के इन विद्यार्थियों की पहल का स्वागत किया। इससे अभी लगातार जो है जो भी प्रयास किया जा रहा है, चाहे यातायात पुलिस के द्वारा हो या ऐसे बच्चों के द्वारा हो, इससे कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात असर करती है, और इसी का असर है कि अब आज की डेट में आप देखिए कि 100 में यदि नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो 5% लोग रह गए हैं, जिनको भी सुधार की आवश्यकता है, और इससे निश्चित है कि असर पड़ेगा। चमेली देवी कॉलेज के ये विद्यार्थी पूरे 15 दिनों से शहर के अलग अलग चौराहों पर जाकर लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील करेंगे। लोगों की जान बचाने के लिए निकले यातायात के नन्हे सिपाहियों का बस इतना ही मानना है कि लोग उनकी बातों को समझें और नियमों का पालन करें, ताकि समाज में जागरूकता के साथ साथ लोगों की जान भी बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।